हेलो चिल्ड्रेन, पिछले क्लास में हमने कहा था कि आज हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे और एक दो न्यूमेरिकल बनाएंगे। एक्चुअली न्यूमेरिकल में हम समय लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे सेंटर ऑफ मास होता था वैसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है, किसी चीज़ को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे खोजते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ मास का मतलब होता था कि कोई रिजिड बॉडी के इनसाइड एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरा मास को हम लोग कंसंट्रेट मान लेते थे। और लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा दूसरा चीज है, आइए देख समझने की कोशिश करते हैं। ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, देखिए तो कोई एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना हम चाह रहे हैं। अब मान लीजिए कि एक फॉल है, बॉडी नहीं एक पतला पत्थर है, और इसको एक हम हैंग कर देते हैं, कोई फिक्स पॉइंट से धागा लटकाते हैं यहां से यहां से, और ये पॉइंट पर हम फिक्स कर दिया। तो यहां से जो एक लाइन खींचिएगा, जब ये बॉडी स्थिर हो जाए तो यहां से एक लाइन खींच दीजिए, ए लाइन खींच दीजिए। ओके, दूसरा बार में इसी बॉडी को फिर क्या कीजिए कि आपकी ये और पर्सन ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा है, बॉडी हमारा वही है, इसको हम लोग अच्छा बन नहीं रहा है जैसा बनना चाहिए, ये हम लोग यहां से यहाँ कोई बी पॉइंट लेते हैं हम लोग, और बी पॉइंट से हम लोग इसको लटकाते हैं जी। ये हमारा लाइन बी 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 वन हो गया, या बी डैश कह दीजिए, इसको बी डैश हो गया, यहां से लटका। इसका मतलब कि ये तो है फोर्स इसी के अलोंग लग रहा है, जो एमजी एम इसका वेट है तो एमजी से फोर्स इस अलोंग रहेगा। यहां पर भी अगर एम इसका वेट है, वेट मास एम बदलेगा नहीं, और मास अगर नहीं बदलेगा तो इसका एमजी जो फोर्स है नीचे की ओर लग रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी धरती के कारण ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहां पर देखिए नीचे की ओर लग रहा है, तो ये आपका पॉइंट कैसा हो जाएगा, इस तरफ में जाएगा, ऐसे आपका ए था, ये आपका ए ए था, ए ए था ऐसा। तो ये तो क्या हो गया, ये तो पॉइंट जो हुआ इसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों लाइन जो काट रहा है इसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये हम लोग पतला पत्ती ले लिए हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या अंतर हो जाएगा, देखिए सेंटर ऑफ मास जो है हम लोग उस पॉइंट को कह रहे हैं जहां पर कि पूरा का पूरा मास कंसंट्रेट हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। लेकिन जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब टोटल जो फोर्स डाउनवर्ड जो लग रहा है इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लग रहा है, टोटल एम वहीं पे है और जी नीचे की ओर लग रहा है, तो फिर दोनों में अंतर हुआ कहां, टोटल एम ये है और लगे रहा है, यहां पर भी एम है और यहां पर भी एम है, तो अंतर हुआ कहां। एक्चुअली छोटे बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में कोई अंतर नहीं है, जो पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही हमारा पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। लेकिन जब बड़ा बॉडी पर विचार करेंगे तो चूंकि बड़ा बॉडी होगा तो बहुत बड़ा, जैसे स्पेस में हम कोई बात करें तो बहुत बड़ा को स्पेस में कोई टेरेस्ट्रियल बॉडी है तो वहां पर जी का वैल्यू चेंज कर जाएगा। जैसे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट का इमेजिंग कीजिए कि 200-300 किलोमीटर लंबा चौड़ा है, तो ऐसी स्थिति में उसका जी चेंज कर जाएगा, यहां पर कुछ जी होगा दूसरे जगह तो 100 किलोमीटर बाद दूसरा जी हो जाएगा, उसका वैल्यू बदल जाएगा। धरती से ऊपर है तब, या धरती पर भी है
तो आप जानते हैं कि जी का वैल्यू ये पोल पर चेंज कर जाता है, इक्वेटर पर दूसरा हो जाता है, फिर पोल पर दूसरा हो जाता है, तो ये जी का वैल्यू भी धरती पर अलग अलग जगह पर अलग हो जाएगा। तो अगर इन कंपेरिजन ऑफ अर्थ ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज, तो ऐसी स्थिति में जी का वैल्यू चेंज कर जाएगा, और जब जी का वैल्यू चेंज करेगा तो सेंटर ऑफ मास भी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज करेगा। ओके, जब जी का वैल्यू चेंज फॉर, तो ये तो हमारा दोनों सेम होता है, कब सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी सेम फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट एलिजिबल, बट फॉर अ लार्ज, बट फॉर ए लार्ज ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी चेंज बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी पर डिपेंड करता है, इसलिए यह चेंज करेगा अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जी अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो जाएगा, इसलिए यह चेंज कर जाएगा। तो हम लोग एक्चुअली छोटे मास के बारे में पढ़ते हैं, छोटे बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम कहेंगे हम लोग, ठीक है, अनलेस अलग से कुछ नहीं कह दिया जाए कि हाँ ये बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज कर रहा है, तो बहुत बड़ा बॉडी है, या जी का मान अलग है। वैसे धरती पर हम लोग जी का मान सब जगह मान लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा है, और उसमें एम से करते हैं, जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्स निकलता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो अब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ गए हैं क्या है, और सेंटर ऑफ मास भी समझ गए। सेंटर ऑफ मास जहां मास टोटल कंसंट्रेट माना जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां जो फोर्स जो है एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड टूवर्ड्स। एक्चुअली छोटे वेव्स के लिए ये दोनों सेम होंगे, लेकिन बड़े के लिए, लार्ज के लिए, कंपेरिजन ऑफ द अर्थ सब लोग बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा चेंज करेगा। ओके, तो आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, आइए इसको हम लोग मिटाते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। प्रॉब्लम है ये मेटल बार ऑफ 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 40 केजी इन मास इज सपोर्टेड ऑन ए नाइफ एजेड प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर ए पार्ट फ्रॉम ईच इंच, ए 6 केजी लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन इंच, फाइंड दिस रिएक्शंस एट दी नाइफ एजेज
एज्यूमिंग बार टू बी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड होमोजीनियस प्रॉब्लम है ए मेटल बार ऑफ 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 केजी इन मास इज सपोर्टेड ऑन ए नाइफ एज प्लस 10 सेंटीमीटर पार्ट फ्रॉम इच इज ए 6 केजी लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड फाइंड द रिएक्शन एट द नाइफ एज अज्यूमिंग बार टू बी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड होमोजीनियस ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होमोजीनियस का मतलब क्या है इसका मतलब जो बार है एक समान मोटा है कहीं मोटा पतला नहीं है और उसका डेंसिटी भी एक समान है ये नहीं कि यहां पे एक जगह डेंसिटी कम है एक जगह डेंसिटी ज्यादा है मतलब पर यूनिट मास जो हर जगह सेम होगा इसका मतलब डेंसिटी सेम है चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं एक हमारा ये हमारा रॉड है ये भी बार हमारा है ये भाई मोटा पतला बन रहा है ये अज्यूम कीजिए कि ये एकदम एक समान है मोटा पतला नहीं है एक समान हम लोग को अज्यूम कर लेना है इसको ठीक है ये 70 सेंटीमीटर है और इसका जो है इधर से भी 10 सेंटीमीटर एक नाइफ एज बना हुआ है यहां पर भी नाइफ एज इसे रखा हुआ है ये नाइफ एज है नुकीला एज बना हुआ उस पर रखा हुआ है या भी 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है हम रख रहे हैं K1 और इसको हम कह देते हैं K2 ये देखिए यहां से यहां तक अगर ये हमारा ए है ए बी है तो ये जो डिस्टेंस हमारा है 10 सेंटीमीटर है और ये भी डिस्टेंस कितना है नाइफ एज का 10 सेंटीमीटर है यहां पर ये रिएक्शन मान लीजिए कि ये R1 है ये ऊपर जो रिएक्शन R1 है और इसका मान लीजिए नाइफ एज पर जो रिएक्शन ऊपर होगा तो R2 मान लीजिए इस K2 नाइफ एज पर R2 है ऊपर जो ये R1 होगा यहां से 20 एक एज से एक किनारे से यहां पर 20 का मान लीजिए यहां पर यहां रखा हुआ कहीं पर 20 हो जाएगा और थोड़ा नजदीकी हो जाएगा चलिए यहां पर यह जो है यहां पर 6 केजी वेट लगाया हुआ है ये कितना है 6 केजी पी पॉइंट पर 6 केजी वेट लगाया हुआ है W1 कितना है 6 केजी 1 इंच से कितना है ये यहां से लेकर के यहां तक ये है 20 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर तो ये कितना है टोटल जी 70 है पूरा रोड हमारा है 70 है दिया हुआ 70 ये देखिए यहां पर 70 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 30 तो 5 इधर और हो जाएगा 35 तो यहां पर भी अगर रोड जो हमारा है इनफॉर्म होमोजीनियस है तो यहीं पर हमारा जो नीचे की वेट काम करेगा mg तो 4 केजी जो है हमारा वेट कहां काम करेगा इस पॉइंट पर काम करेगा 4 केजी इस पॉइंट पर काम करेगा हमारा 4 केजी वेट और इस पॉइंट को हम जी कह रहे हैं जी यहां से आप 20 हो जाएगा कितना हो जाएगा जी ये हमारा 5 हो जाएगा और ये कितना है यहां से यहां देखिए तो यहां से यहां कितना है टोटल हुआ यहां से यहां 35 और यहां से यहां कितना है 20 में लग रहा है जी जो है 30 यहां पर होगा 30-35 तो इधर भी हमारा ये हो जाएगा 25 ये हमारा हो जाएगा 25 और 30 जोड़िए 35 G
जी जो है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक बीच में हमारा पड़ रहा है जी, ठीक है। हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या काम करेंगे, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, इसको हम लोग डब्ल्यू कह दीजिए, क्या ये आर वन आर टू ऊपर को अगर हम प्लस लेते हैं तो नीचे और माइनस ले लीजिए, तो हो जाएगा आर वन प्लस आर टू फोर्स माइनस डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू नीचे की ओर इक्वल टू जीरो। और यह क्या दे देगा आपको, यह हमें देगा आर वन प्लस आर टू इक्वल टू डब्ल्यू, ओ सॉरी डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू जी डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू, ये एक हम लोग का इक्वेशन मिल गया। ये हमारा था सिक्स के जी, तो सिक्स इंटू 9.8 जी हो जाएगा, और यह 4 के जी तो 4 इंटू 9.8 ये हो जाएगा 6 प्लस 4 इंटू 9.8 दैट इज 9.8 न्यूटन, ये जो फोर्स हो गया 9.8 न्यूटन, आर वन और आर टू 9.8 न्यूटन के बराबर हमारा हो गया। तो एक चीज हम लोग करते आ रहे हैं वाकई में ये जाएगा कि कहते एसिस का ये लोटी सरपेंट 30 सेंटीमीटर, ये हमारा 30 सेंटीमीटर है, ये हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो वाकई में ये केवल जो यहां से यहां तक जो लोड हो जाएगा वन यू से लोड सिक्स के जी लोटी सस्पेंडेड 30 सेंटीमीटर, तो ये हमारे यहां से यहां जो लोड जो लटकाएगा 30 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां 10 है, तो ये कितना हो जाएगा जी 20 सेंटीमीटर। एक्चुअली हम लोग अब निकाल देंगे जी के लॉ, हम लोग निकालना चाहते हैं टॉर्क रोटेशनल इक्विलिब्रियम होने के लिए टोटल टॉर्क एक्टिंग अलोंग जी मस्ट बी जीरो, इसी जी के लॉ होता है इसको निकाल देते हैं रोटेशनल के लिए, तो इसी जी के लॉ टोटल टॉर्क हम लोग निकालते हैं, तो निकालते हैं हम लोग फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम द टोटल टॉर्क अबाउट पॉइंट जी मस्ट बी जीरो, ये जी है क्या जिसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हमारा जी जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चूंकि छोटा रॉड हमारा है या सेंटर ऑफ मास हमारा है, तो इसी के अनुसार निकाल रहे हैं। चलिए निकालते हैं, देखिए तो आर वन है आर वन इंटू के वन जी इस तरह, तो हो जाएगा आर वन इंटू के वन जी, ये किस तरफ में होगा हम लोग लिख रहे हैं ऐसे जी तरफ मिला रहे हैं, तो ये जाएगा क्लॉक वाइज, तो ये निगेटिव हम लोग ले कि आर टू लीजिए तो आर टू जो होगा एंटी क्लॉक हो जाएगा, तो ये क्या हो जाना चाहिए, ये प्लस हो जाएगा आर टू इंटू के टू जी के टू जी प्लस इसको ले लीजिए, ये फिर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये भी प्लस होगा, तो हो जाएगा कितना 6 इंटू जी इंटू क्या पी जी, ये इस तरफ में आएगा, देखिए बोर्ड पर इस तरफ होगा इंटू पी जी मस्ट बी जी। आर वन क्या है, आर वन तो हम लोग निकालना ही है, लेंगे आर वन, और के वन जी क्या है, कितना डिस्टेंस हमारा है के वन से जी तक, कितना डिस्टेंस है, देखिए तो यहां से यहां तक 30 है, यहां से यहां तक 10 है, तो बचेगा 20, और इसमें 5 जोड़ देंगे कितना होगा 25 सेंटीमीटर है, तो लिख देंगे 25 cm।
प्लस या आर टू देखिए तो आर टू इंटू ए डिस्टेंस हम लोग निकालना है तो ये यहां से यहां तक 25 है तो हम लोग इसको भी लिखेंगे आर टू इंटू 25 सेंटीमीटर प्लस 6 इंटू 9.8 अभी कितना है 5 तो इसको लिख देंगे 5 सेंटीमीटर मत लीजिए। अब इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर बदल दीजिए और हम लोग ऐड करते हैं देखते हैं क्या आता है और R2 माइनस R1 इंटू 0.25 प्लस 6 इंटू 9.8 इंटू 0.05 इक्वल टू 0 और R1 माइनस R2 इक्वल टू 6 इंटू 9.8 इंटू 0.05 ये मीटर बदल दिए हैं सबको हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में ले आए हैं तो न्यूटन से लाना हम लोग को है और जी का वैल्यू जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है और ये हो जाएगा 0.25 दिस इक्वल टू 6 इंटू 9.8 इंटू 5 अपॉन 25 ये 5 आ जाएगा ये 1 हो जाएगा तो होगा 6 अपॉन 5 इंटू 9.1 और इसको वैल्यू आ जाएगा 11.76 ये एवी न्यूटन हो जाएगा ये न्यूटन में आएगा तो हम लोग को दो मिल गया देखिए यहां आर1 आर2 को वैल्यू मिल गया एक यहां मिल गया आर1 आर2 को वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं आर1 को भी निकाल देंगे और आर2 भी निकाल देंगे कैसे देखिए तुरंत हो जाएगा हम लोग तुरंत कर देंगे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं इसको स्लाइड को सिर्फ इतना मिला लेते हैं और हम लोग निकाल लेते हैं ये आ जाएगा आपका आर1 माइनस आर2 आया हुआ है आर1 माइनस आर2 इक्वल टू 11.76 न्यूटन ये आपका दूसरा इक्वेशन आया हुआ है ये दूसरा इक्वेशन है तो अब ये हम लोग निकाल सकते हैं आर2 या आर1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये दोनों को ऐड अप करेंगे ऐड अप करेंगे कितना हो जाएगा ये ऐड करने के बाद होगा आर1 निकालेंगे एडिंग बाय एडिंग 1 एंड 2 एडिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा 2R 2R1 इक्वल टू ये दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 109.76 न्यूटन तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 109.76 अपॉन 2 न्यूटन और 54.88 न्यूटन R1 इज इक्वल एंड R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 98 माइनस 54.88 एंड दिस इज इक्वल टू 43.112 न्यूटन ये दो वैल्यू हमको मिल गया ये दोनों वैल्यू को हम घेर रहे हैं ये हमारा एक वैल्यू हो गया और ये दूसरा वैल्यू हमारा है इसको हम लाल से घेर देते हैं ये दोनों वैल्यू बाहर निकल गया यही आर वन आर टू को हम लोग को निकालना था चले नेक्स्ट करते हैं दूसरा एग्जाम्पल देखने में है ये 3 मीटर लॉन्ग लेडर वेइंग 20 किलोग्राम leans on a frictionless wall. If feet rest 1 meter apart from the wall, to the floor as
have seen in the figure find reactional forces, a reaction forces of the valve and the floor. A 3 meter long ladder weighing 20 kilogram leans on a frictionless wall. Its feet rest 1 meter apart from the wall to the floor as seen in the figure. Find the reaction forces of the wall and the floor. ऐसे है, ठीक है, तो एक लेटर है जो 3 मीटर है, ये है, इस ढंग से है, ये हमारा वॉल है, ये जो है आपका वॉल है, ये हमारा वॉल है, ये लेटर हमारा है, ये हमारा लेटर है, ये हमारा वॉल है, ये यहां से यहां तक 1 मीटर है, ये वॉल से यहां तक की डिस्टेंस 1 मीटर है। तो कह रहा है कि फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑन द वॉल, तो वॉल पर जो रिएक्शन फोर्सेस लगेगा कहां लगेगा, इस तरफ लगेगा फोर्सेस, और उसका इस तरफ जो फोर्स लगेगा वॉल का उसका रिएक्शन इस तरफ में होगा। अच्छा, उसके बाद मान लो कि ये जो रिएक्शन फोर्स ऑफ दीवार इधर हुआ एफ वन हुआ, जो कि इस तरह प्रॉब्लम दिखा देते हैं एफ वन है, उसी ढंग से ये जो रिएक्शन फोर्सेस इस तरफ जो लग रहा है, इस तरफ जो जा रहा है, क्योंकि लेटर नीचे को दबा रहा है उसका रिएक्शन फोर्स कहा जाएगा इस तरफ में जाएगा, वैसे ये जो है इस तरफ में दबा रहा है तो इसका रिएक्शन इस तरफ दबा रहा है तो रिएक्शन फोर्स इस तरफ आएगा, वैसे ही ये नीचे को दबा रहा है, अगर नीचे को दबा रहा है तो रिएक्शन फोर्स कहा जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा इस तरफ, तो ये हमारा रिएक्शन फोर्स बना जिससे है एफ टू है। तो यही एफ टू एफ वन हम लोग को निकालना है, यहां हम लोग सोल्यूशन भी लिखेंगे, एफ वन रिएक्शन फोर्स ऑफ वॉल और एफ टू रिएक्शन फोर्स, यहां भी आप बड़ा कर देते हैं, फोर्स ऑफ फ्लोर, यहां फ्लोर एफ वन और एफ टू को हम लोग को निकाल लेना है। लेडर को मान लीजिए कि यहां ए नीचे पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर लेते हैं, ये हमारा 3 मीटर है, तो इसका मिडिल पॉइंट जो होगा इन फॉर्म लैडर है, तो यहां पर से इसका वेट जो है नीचे की ओर काम करेगा, यहां नीचे की ओर वेट लग रहा है, वेट कितना इसका है जी 20 केजी, तो ये 20 केजी इंटू जी से बनेगा वेट नीचे की ओर लगेगा, तो ये लगभग 20 इंटू जी जो कि नीचे की ओर काम कर रहा है। अरे यहां से ये भी यहां 3 है, ये 90 डिग्री का दीवार से लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा जी, अगर ये बीसी माने तो बीसी हो जाएगा 2√2, कैसे, बेस स्क्वायर ये 1 मीटर है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा, माइनस कीजिएगा और फिर उसका स्क्वायर निकालिएगा, तो आएगा 2√2। अगर ये पॉइंट बी है तो यहां से अगर ये इसको नीचे गिराइएगा तो ये 22 सीमेट्री हो जाएगा, थोड़ा सा और हम लोग यहां लेना चाहिए इसको, ये 22 सीमेट्री हो जाएगा, ये इधर भी 1/2 मीटर हो जाएगा और इधर भी हमारा ये 1/2 मीटर होगा। अगर ये पॉइंट डी है जो कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होगा, बीच वाला पॉइंट है, ठीक है, ये वेट जो है, इस वेट को जो हम लोग लटका रहे हैं यहां से, इसको हम लोग मान लेते हैं डब्ल्यू का होगा 20 इंटू जी, ऐसा हम लोगों ने कहा था, डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 इंटू जी, तो
एक जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या शर्त हमारा है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के शर्त है कि जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है सो और जो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है सो ये दोनों हम लोग को बराबर होना चाहिए। तो यहाँ जो यहाँ पर देखिए दो ढंग का फोर्स लगेगा, एक फोर्स यहाँ इस तरफ अगर आप एन माने ये ऊपर हमारा फोर्स हो जाएगा एन और नीचे इस तरफ जो फोर्स लगेगा हो जाएगा एफ। दो फोर्स का रिजल्टेंट हमारा एफ टू है, मतलब एफ टू जो आपका जो नीचे की ओर आ रहा है ये फोर्स इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं एफ और एन का, ये दो पार्ट में हम लोग बांटे हुए हैं। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से क्या होगा, फॉर ट्रांसलेशनल क्या होना चाहिए, डब्ल्यू घटाओ एन घटाओ डब्ल्यू, एन ऊपर की ओर लग रहा है डब्ल्यू नीचे की ओर लग रहा है तो एन माइनस डब्ल्यू मस्ट बी जीरो। नॉर्मल रिएक्शन और वेट ये दोनों मिलाने से जीरो होना चाहिए, जो कि होता भी है, कहीं भी वेट का जो नॉर्मल रिएक्शन है हमेशा बराबर होता है। ये तो हो गया वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल फोर्स देखिए इधर अगर ये कौन प्लस लें तो इधर एफ टू माइनस लेंगे तो एफ एफ घटाओ एफ वन इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। इसको हम लोग एक कह देते हैं, इसको हम लोग दो कहते हैं। अब फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम टेकिंग मूवमेंट एलोंग ओ या अबाउट द पॉइंट, अबाउट पॉइंट ए, इस ए के अलोंग हम लोग मूवमेंट ले जाए तो लेंगे तो हो जाएगा बी सी वन इंटू एफ वन और दूसरा होगा ये तो ये फोर्स लेंगे बी सी वन इंटू एफ वन, एक बार पेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग बी सी होगा बी सी इंटू एफ वन, सिर्फ बी सी होगा बी सी इंटू एफ वन, यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस दूसरा क्या होगा, इस पॉइंट को हम लोग ई कह दीजिए, ई रेड से दिख लेते हैं, ये पॉइंट हमारा ई है तो अब क्यों हो जाएगा प्लस ए ई इंटू डब्लू, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये ऐसे आएगा कोई हो जाएगा क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या हो गया कि ए इंटू डब्लू जो क्लॉकवाइज है नेगेटिव हो जाएगा सो दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस मस्ट बी जीरो। और बीसी का वैल्यू दीजिए टू रूट टू एफ वन इज इक्वल टू ए का वैल्यू दीजिए हाफ इंटू डब्लू, ये W क्या है W इज इक्वल टू एम जी, ये हमारा है एम जी दैट इज 20 इंटू 9.8 तो हमारा निकल चुका है। सो ये जो हो जाएगा 4√2 एफ वन एंड दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 9.8 हाई, दिस विल कम आउट टू बी रूट टू और आपके 40 4 49 दिस में दिस ये आ जाएगा आपका 34.6 न्यूटन, ये 34.6 न्यूटन आएगा और एफ वन इज इक्वल टू एफ तो हमारा एफ भी है वही है तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ वन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 34.6
न्यूटन, न्यूटन बड़ा सही ग्रह है, अभी छोटा सा लिखा था इसमें मोड्स में न्यूटन, ये हो जाएगा। अब आइए F2 हम लोग को निकालना है, F2 हो जाएगा हमारा F2 इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का अंडर रूट, और दिस विल बी इक्वल टू F कितना है, ये F निकाला है, यही चीज निकालना है, तो ये हो जाएगा 49 अपॉन रूट टू का स्क्वायर प्लस n कितना है, n हमारा यही है 20 इंटू 9.8 का स्क्वायर, 49 स्क्वायर अपॉन टू प्लस 196 का स्क्वायर का अंडर रूट, और यह आपको आ जाएगा 199, दिस विल कम आउट 199 न्यूटन। तो हम लोगों ने निकाल दिया दोनों चीज, हम लोग को निकालना था ये हमारा आ गया है, कौन जगह हम लिख रहे हैं, F1 हमारा आ गया है कितना, दिस न्यूटन, और F2 हमारा आ गया है 199 न्यूटन। ये हमारा F2 बहुत ज्यादा होता है नहीं, ठीक है हम अभी चाहिए इसको। अब आइए देखिए, बहुत ज्यादा लोड नीचे पड़ता है, नीचे और लोड ज्यादा होता है, ये फोर्स ज्यादा होगा ही होगा, जो लैडर लगाया जाता है तो नीचे बहुत ज्यादा फोर्स होता है, तो ये ज्यादा होना चाहिए। आइए अगर हम लोग को यह पूछा जाए कि लैडर जो है कितना एंगल बना रहा है, यहां से किस एंगल को अगर पूछ दिया जाए, ये अल्फा एंगल बना रहा है यहां, इससे यह कितना होगा, तो इस अल्फा एंगल को हम लोग कैसे निकालेंगे, इफ अल्फा, इफ लैडर मेक्स अल्फा एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, देन टेन अल्फा एन अपॉन एफ, एन अपॉन एफ, और एन हमारा है 20 इंटू 9.8, और एफ इज इक्वल टू हमारा कितना जाएगा आ गया है, दिस मच यह है 49 अपॉन रूट टू, तो रूट टू पर चला जाएगा, ओके। और ये सब सॉल्व कीजिएगा, फोर रूट टू दिस विथ फोर रूट टू, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स फोर रूट टू, तो अल्फा का मान भी निकाल सकते हैं इधर से, अल्फा क्या है, सीढ़ी जो लग रहा है दीवार से, जो सीढ़ी लग रहा है ओरिजेंटल से, जो एंगल बना रहा है वह अल्फा है, और अल्फा का मान हमारा ये निकला हुआ है, और फोर्स का मान हमारा ये निकला हुआ है, F1 F2 जो फोर्स लग रहा है, जो F1 है जो दीवार पर जो लग रहा है सो, और जहां धरती पर लग रहा है लैडर पर सो, ये दोनों हम लोग निकाल चुके हैं। तो ठीक है, आप लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, और नेक्स्ट डे में हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिससे ट्रांसलेशनल मोशन में मास रोल प्ले करता है, सेम रोल वही प्ले करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में। तो चलिए हम नेक्स्ट डे पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।